मैं प्रिया आपके अपने YouTube चैनल फैमिली चॉइस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी बनने वाली चाट। इसे हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। चाट बनाने के लिए हमने यहाँ पर मटर को 3 घंटे पहले भिगो लिया था। हमने इसमें डाले हैं कट किए हुए आलू, हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच नमक, थोड़ा सा सोडा, हम यहाँ पे डालेंगे इसमें पानी। अब हम यहाँ पे कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। अब इसमें हम 3 से 4 सीटियाँ लेंगे। मटर चाट बनाने के लिए हम यहाँ पे बना रहे हैं चटनी। इसके लिए हमने पानी में अमचूर को अच्छे तरीके से बॉईल किया है। हमारी अमचूर यहाँ पे बॉईल हो चुकी है। अब हम इसमें 1 प्लेट में निकाल लेंगे। चटनी बनाने के लिए यहाँ पर हम इस अमचूर में लेंगे 2 मिर्च, गुड़, नमक। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्सी में पीस लेंगे। आप लोग देख सकते हैं मटर हमारी कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे बॉईल हो चुकी है। अब मटर की चाट बनाने के लिए हमने यहाँ पर ली है कढ़ाई, उसमें हम डालेंगे तेल। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। हम डालेंगे इसमें जीरा, हम यहाँ पे डालेंगे सौंफ, खड़ी धनिया, बारीक कटी हरी मिर्च, अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉईल की हुई मटर। अब इसे हम अच्छी तरीके से चलाएंगे। हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पे डाल रहे हैं हम नमक। हम इसमें ऐड कर रहे हैं गुड़, इससे हमारा चाट का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। हम इसमें मिलाएंगे पीसी हुई चटनी। फ्रेंड्स आप लोग ये चाट एक बार जरूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आप लोग मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम डालेंगे इसमें कटा हुआ प्याज, हरा धनिया पत्ता, अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी चाट बनकर तैयार है। इसे हम 1 प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे चटनी, प्याज, हरा धनिया पत्ता, थोड़ी सी नमकीन। फ्रेंड्स हमारी चाट बनकर रेडी है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।